हेलो एवरीवन, मैं यस मैम आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। तो आज मैं आलू बैंगन की ही ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जो बिल्कुल यूनिक है और बिल्कुल अच्छी रेसिपी है, मज़ेदार रेसिपी है तो आज मैं बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी में सरसों वगैरह डाल के भी बनाया जाता है, लेकिन आज मैं बिना लहसुन प्याज के बनाऊँगी और सरसों वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, सिंपल सब्ज़ी बनाऊंगी बिल्कुल। और देखना कितना यम्मी सब्ज़ी बन के रेडी हुआ है, तो वीडियो को मेरा पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने जो बैंगन आलू इसको मैंने काट के रख लिया अच्छे तरीके से, तो मैंने एक प्लेट में रख लिया है। तो मैंने आलू बैंगन काट के रख लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा बेसन का घोल बना के रखी हूँ इस सब्ज़ी में डालने के लिए, थोड़ा अलग सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे अब तेल है जो गर्म हो चुका है, थोड़ा सा मैं आलू और बैंगन को फ्राई करने के लिए इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दी हूँ, क्योंकि ऐसे तेल बिल्कुल बिना जीरा डाले आलू फ्राई चाहे सब्ज़ी फ्राई नहीं करना चाहिए। तो मैंने एक मिर्ची था वो डाल दिया मैंने, और बिल्कुल अलग रेसिपी आज मैं बताऊँगी कि बिन जैसे कि यूनिक एकदम नई रेसिपी आपके साथ बताऊँगी कि बिना लहसुन प्याज के कैसे बैंगन की सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे मेरा ये फ्राई हो चुका है, जो जीरा है बिल्कुल फ्राई हो गया। उसके बाद मैं आलू डालूँगी, तो आलू को फिर 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। उसके बाद आलू थोड़ा सा हल्का फ्राई हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन थोड़ा सा हो जाएगा, तब जाके इसमें डालना है बैंगन। तो यहाँ मेरा थोड़ा हल्का बैंगन जो आलू है फ्राई हो चुका है, उसके बाद मैं इसमें बैंगन को ऐड कर दूंगी। और बैंगन आलू की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, आप चाहो तो इसमें सोयाबीन वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज सोयाबीन नहीं डाली हूँ इसमें, लेकिन सोयाबीन के साथ आलू बैंगन की सब्ज़ी की रेसिपी भी डालूंगी। तो यहाँ जो बैंगन है मैंने यहाँ काट के रख लिया था, तो इसमें डाल दी हूँ। तो जैसे आप जब सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो यहाँ पे अब जो इसमें मसाले हैं, जो गरम मसाला है मेरा, सारा मिक्स मसाला है, तो इसमें जैसे मीट मसाला है, चिकन मसाला है, और सर धनिया पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है, सारे मसाले इसमें मिक्स करके रखा हुआ है, वो मैंने बेसन में मिला लिया है। उसके बाद फिर मैं तो यहाँ बिल्कुल आलू और बैंगन जो है फ्राई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मसाले और मिर्ची दो भाग में काट के रखा है, और इसको मेथी और जीरा और थोड़ा सा अजवाइन मंगरेल से इसको तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ बिल्कुल आलू फ्राई होकर मैंने प्लेट में रख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे तेल रख दिया, तेल वाला जो इसमें जीरा और मेथी और अजवाइन वगैरह का जो तड़का था, फ़ौरन बोलते हैं, जो मैंने डाल दिया। और इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर मिर्ची थोड़ा सा डाल दी, दो काट के डाल दी थी ऐसे ही, आप चाहे तो सूखा मिर्ची भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद थोड़ा फ्राई हो जाएगा, तब मैं इसमें डाल दूँगी जो मसाले का घोल है, जो बेसन के साथ मैंने मसाला का घोल बनाया हुआ है। तो इसको क्या करूँगी, थोड़ा 5-10 मिनट तक भूंजना है, 10 मिनट तक भूंजना है, ताकि जो मसाला है अंदर का वो भी भून जाए और जो बेसन है वो भी पक जाए अच्छे से। तो मैं इसमें थोड़ा सा हल्का पानी डाल के इसको भून लेती हूँ, और बिल्कुल जैसे चिपके ना, जैसे मसाले भूनते हैं ना उस तरीके का, इसको बिल्कुल अच्छे से भून लेना है। अब बिल्कुल मैं अलग रेसिपी बता रही हूँ जो बिल्कुल न्यू है, मैं अपने तरीके से ये रेसिपी आज डाली हूँ, कि मैं अपने तरीके से न्यू रेसिपी आज मैं बनाई हूँ बैंगन का, बैंगन सब्ज़ी का। तो मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। देखिए इसका जो कैमरा है वो थोड़ा लाइट हो गया ज़्यादा, तो यहाँ नमक डाल दिया है। उसके बाद इसको अभी भी भूनना है, फ्राई करना है अच्छे से, तब भून जाएगा। तो यहाँ मेरा मसाला भून गया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ आलू बैंगन को, जो मैंने आलू बैंगन को फ्राई करके रखा है। और बिल्कुल इसको अच्छे से, बिल्कुल मैं सूखा सब्जी बना रही हूँ, और इसमें क्या है कि बिल्कुल अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है, मतलब भून लेना है मसाले के साथ, जो बेसन है वो भी जो आलू और बैंगन में बिल्कुल घुल जाएगा अच्छे तरीके से। तब तक इसको अच्छे से भूनते रहना है। अब मैं बिल्कुल ड्राई बना रही हूँ, दाल चावल के साथ में बना रही हूँ इस सब्ज़ी को। तो आप अगर रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सूखा बनाओ, चाहे आप जो इसका तरी होता है, रस होता है, तो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 10 मिनट तक इसको फिर आलू के साथ मैंने मसाले को भून लिया है, और बिल्कुल मसाला बिल्कुल भूनने के बाद रेडी हो गया है, बिल्कुल भून के रेडी हो गया है। और ये बिल्कुल लग नहीं रहा है कि जैसे लहसुन प्याज इसमें नहीं डाला हुआ है, तो उस तरीके की मैं इस सब्ज़ी को बना रही हूँ। बहुत ही यम्मी सब्ज़ी है, अब मेरी एकदम न्यू रेसिपी है, जो मैं अपने तरीके से आज इसको नया ट्राई करके बना रही हूँ।
तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं। तो थोड़ा सा हल्का सा मैंने पानी डाल दिया है ताकि जो आलू है बिल्कुल पक जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से बेसन को है ना, बिल्कुल अगर नहीं भुनेंगे ना तो इसमें क्या होता है कि बेसन है जो पानी में आलू सब्जी में डालेंगे ना तो फट जाता है। तो उसके बाद बिल्कुल बेसन को मसाले के साथ बिल्कुल अच्छे से भून लेना है। और फिर यहाँ पर देखिए मैंने ढक के पका लिया था। अब यहाँ पे है जो आलू बिल्कुल सब्जी है जो पक गया है अच्छी तरीके से। अब बिल्कुल अब मैं इसको गैस बंद कर दूँगी। देखिए बिल्कुल आलू पक गया है और बिल्कुल सब्जी रेडी हो चुका है। तो आप लोग भी ऐसे सब्जी बना सकते हैं। और मैं चैनल पर न्यू हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो बिल्कुल न्यू रेसिपी आज आपके सामने पेश है, बिल्कुल न्यू रेसिपी मैं आज बनाई हूँ। तो मेरी वीडियो